किया था रील्स लॉन्ग लेयर हेयर कट, जो कि आपको लेंथ भी नहीं आपका कटेगा एंड आपके हेयर में वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा। आप लेंथ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में, बिल्कुल भी मैंने लेंथ ज़्यादा कट नहीं किया था। तो अगर आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं जिनको लॉन्ग लेयर हेयर कट चाहिए, यानी कि लेंथ भी मेंटेन करना है, वॉल्यूम भी चाहिए, लेयर्स भी चाहिए, तो सबसे पहले आपको इस तरह से बॉक्स सेक्शन डिवाइड करना है फ्रंट में एंड ईयर टू ईयर एंड पीछे में दो पोर्शन नॉर्मली जैसे हम करते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा मैंने किस तरह से आपको बॉक्स सेक्शन बताया है। नेक्स्ट इस तरह से पीछे में भी एक पोर्शन आप निकालोगे इस तरह से, यानी कि आप टोटल देख सकती हो 5 सेक्शन मैंने डिवाइड करके रखा है इस तरह से। जी हाँ, सबसे पहले आपको वन लेंथ करना है, यानी इक्वल कटिंग या जीरो डिग्री कटिंग हम इसे बोलते हैं। इस तरह से इतना ही लेंथ मैंने कट किया है। अब हम सबसे पहले हेयर को कट करेंगे इस तरह से 90 डिग्री पे। तो इस तरह से इतना जो आप हेयर देख रहे हो ना एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे। ये जो फर्स्ट हम हेयर को कट कर रहे हैं, ये हमारा गाइडलाइन होगा इंटायर हेयर के लिए। तो गाइडलाइन बहुत ध्यान से आपको समझना है। इस तरह से आपको 90 एंड ये रहा 180, इसे हम 180 डिग्री बोलते हैं। इस तरह से ऊपर ले जाना है एंड इस तरह से आपको कट कर देना है। आई होप आप समझ गए होंगे, यही हमारा गाइडलाइन होगा बाकी रेस्ट ऑफ द हेयर के लिए। जी हाँ, लेयर्स आपको दिख रहे होंगे इजीली। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा हेयर जहाँ हमने पहले हेयर को कट किया, मींस मैंने लेफ्ट साइड के हेयर को कट किया, उससे लिया एंड इस तरह से मिक्स किया मैंने। तो आपको गाइडलाइन दिख रहा है छोटा वाला, उससे मिला के आपके आपको बड़े वालों को कट कर देना है। इसी तरह से आपको फिर से सारे हेयर में रिपीट करना है। तो अब इसी तरह से हम 90 एंड 180 पे हेयर को कट करेंगे। जी हाँ, इस तरह से ऊपर वाला सेक्शन आपको लेना है एंड नीचे से मिक्स करना है आपको। एंड इस तरह से 90 डिग्री पे सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाना है एंड इस तरह से आपको गाइडलाइन से मिला के एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देना है एंड हल्का हल्का नोचिंग भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट फिर से आप 180 पे करोगे। आप लॉन्ग लेयर हेयर कट जब भी करते हो एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि टैंगल्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि लंबे वालों में क्या होता है टैंगल्स बहुत रहता है और बहुत जल्दी ना टैंगल्स लग भी जाता है एंड थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम होगा लंबे वालों में जब आप हेयर कट करते हो टैंगल्स बहुत लगेंगे। तो टैंगल्स फ्री करके ही आपको हेयर कट करना है, छोटा छोटा सेक्शन लेना है अगर आप बिगनर्स हो। दूसरे तरफ भी सेम हम इसी तरह से कर लेंगे इजीली, हमें गाइडलाइन दिख गया है। अब गाइडलाइन हम हेयर को मिलाएंगे इस तरह से एंड इस तरह से कटिंग कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हेयर कट करना एज सच कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड गुड टू गो आप कर लोगे इस तरह से 90 एंड 180 पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कितना इजी वे में हेयर कट होता है एंड इस तरह से आप देख सकते हो लेयर्स कितना ज़्यादा आ गया है। अब हम कट करेंगे बॉक्स सेक्शन। तो बॉक्स सेक्शन में आपको दो पार्ट करना है क्योंकि हेयर काफ़ी ज़्यादा थिक थे तो एक बार में नहीं होगा। इस तरह से आपको निकालना है एंड पीछे वाले हेयर सबको मिक्स करना है गाइडलाइन यानी, एंड इसको हम डायरेक्टली कट करेंगे 90 डिग्री पे। हमारा जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ के लिए 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से कॉम करते जाना, स्ट्रेट हेयर को ऊपर की ओर लेना है इस तरह से एंड जो भी आपको हेयर एक्स्ट्रा दिख रहे थे उसको कट कर देना है गाइडलाइन से मिला के। फिर अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के जो हेयर है उसको मिक्स करेंगे पीछे वाले हेयर में इस तरह से एंड हम इसको कट करेंगे सेम 90 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा टैंगल्स नहीं रहने चाहिए एंड अच्छे से कॉम करना है एंड इस तरह से बस आपको कटिंग कर देना है, बस डन। अब हम इसी तरह से कट करेंगे ईयर टू ईयर के। जो ईयर टू ईयर के लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरह होता है, एक तो आप पीछे से हेयर को ले लो, एक आप ले लो बॉक्स सेक्शन से। इस तरह से मैंने बॉक्स सेक्शन से हल्का लिया है एंड इसको मैं पीछे से भी हल्का ले रही हूँ एंड सेक्शन क्लिप में लगा दूंगी ताकि मुझे ना कॉम करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करे हेयर। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना 90 180 कुछ भी मत समझो, आप ऐसा समझो स्ट्रेट आपको ले जाना है इस तरह से एंड एक ऊपर की ओर ले जाना है। जो हेयर को आप पहले कट करते हो यानी सबसे पहले कट करते हो उससे मिला के बाकी रेस्ट ऑफ द हेयर को कट करना है। गाइडलाइन किसे हम बोलते हैं, गाइडलाइन होता है जो हम सबसे पहले हेयर को कट करते हैं एंड गाइडलाइन से जब हम न्यू हेयर में मिक्स करते हैं उस हेयर को तो हमें ना ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि छोटे से बड़ा बाल। तो आपको क्या करना है, जो आपको गाइडलाइन पीछे का नज़र आ रहा है यानी छोटा वाला बाल नज़र आ रहा है उससे बड़े वाले बालों को एक्स्ट्रा कट कर देना है। बहुत ही ईजी होता है, अगर आप गाइडलाइन ना भूल जाओगे ना, लाइक आपको
याद नहीं कि कौन सा गाइडलाइन है एंड पीछे ही छोड़ दोगे गाइडलाइन वाले हेयर को, तो आपका हेयर खराब हो जाएगा, यानी हेयर कट खराब हो जाएगा। तो आपको हमेशा गाइडलाइन मेंटेन करना है। जैसे आप देख रहे हो मैं ईयर टू ईयर में कैसे कट कर रही हूँ, पहले मैं 90 डिग्री पे थोड़े थोड़े हेयर को लेकर कट कर रही हूँ, फिर मैं जिस हेयर को कट कर देती हूँ उससे थोड़ा सा हेयर लेती हूँ एंड न्यू वाले हेयर में मिक्स करती हूँ एंड ईजिली हमें गाइडलाइन मिल जाता है कट एंड नोचिंग। हेयर कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब मैं भी स्टार्टिंग में हेयर कट करती थी ना, मुझसे नहीं होता था, मुझे नहीं समझ आता था, पर प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ईजी है। तो डन, हमारा ईयर टू ईयर का भी डन हो गया। अब आपको री चेकिंग करना है। अब री चेकिंग हम किसे बोलते हैं, इस तरह से बॉक्स सेक्शन लेना है एंड फ्रंट में जाके आपको हल्का सा कट करना था, इससे वॉल्यूम आता है हेयर में, इसलिए मैंने वॉल्यूम देने के लिए कट किया। अब हम फिर से ईयर टू ईयर डिवाइड करेंगे अच्छे से एंड इसको हम कट करेंगे, कट नहीं करेंगे, बेसिकली हम री चेक कर रहे हैं। री चेकिंग का मतलब ही होता है कि आपने जिस हेयर को इंटायर कट किया उसको एक बार चेक